हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना व्लॉग्स। आज मैं मावा बर्फी रोल बनाने जा रही हूँ। और अगर आप होली एंजॉय करना चाहते हैं और पूरे टाइम किचन में नहीं बिताना चाहते हैं और बाजार की मिलावटी मिठाई से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं मावा बर्फी। आज मैं खोया बर्फी रोल बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी स्वीट लगता है ये। और इसे बनाने में बहुत कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कटोरी मैंने खोया लिया है जिसे मावा भी कहते हैं। तो ये मैंने पाउडर मिल्क से तैयार किया है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने इसे बहुत आसानी से तैयार किया था। इसे तैयार करने में मैक्सिमम 5 मिनट का समय लगता है। तो ये मैंने एक कटोरी मावा लिया है और पाउडर शुगर लिया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आप स्वीट खाते हैं। क्योंकि पाउडर मिल्क से बना ये खोआ तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्वीट है ही ये, तो आप बहुत कम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, आप इसके बदले केवड़ा एसेंस या रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने येलो फूड कलर लिया है, ये यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो चलिए बनाते हैं खोया बर्फी रोल। सबसे पहले हम ये मावा को पैन में थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि इसे फ्रिज में रखा हुआ था तो ये थोड़ा टाइट हो गया है और डो बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए 1 से 2 मिनट इसे हमें भून लेना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये भुन चुका है, अब इसे हम रूम टेम्परेचर में आने तक इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम बर्फी बनाएंगे। सबसे पहले हम इस मावा को अच्छे से गूंद लेंगे। और इसमें ये पाउडर शुगर मिला लेंगे। अब इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। और ये बचे हुए भाग में हम ये फूड कलर ऐड करेंगे। ये फूड कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। तैयार हो गया, अब हम बर्फी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम एक फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर पर बिछा के इसे हम हल्के हाथों से रोल करेंगे। अब हम दूसरा डो लेंगे, जो प्लेन वाला डो था जिसमें हमने कलर नहीं मिलाया था। अब उसे हम ये बेलन की सहायता से धीरे धीरे बेल लेंगे हल्के हाथों से। तरीके से हम ये बेल लेंगे। बेलने के बाद हम जो रोल बना के रखे थे इसे हम इस तरीके से इस पर रख लेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। फॉइल पेपर की सहायता से हम इसे फोल्ड करेंगे। फॉइल पेपर हटा लेंगे, इस तरीके से फॉइल पेपर हम हटा लेंगे। और फॉइल पेपर की सहायता से ही हम इसे फोल्ड करते रहेंगे, क्योंकि हाथ में लग के ये चिपक जाता है, फॉइल पेपर में चिपकता नहीं है।
तरीके से रोल हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही फॉइल पेपर की सहायता से देर तक ऐसे रोल करेंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे सेट होने के लिए फ्रिज में मैंने रखा था आधे घंटे, अब इसे निकाल लिया है। अब इसे फॉइल पेपर से हम अलग कर लेते हैं। अब इसे नाइफ से हम कट कर लेंगे। खोया बर्फी रोल बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इसे किसी भी फेस्टिवल में किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है ये। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।